नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 10 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय एक पढ़ रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या में आज जो हम देखेंगे आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी तक का अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लास 10th मैथ क्वेश्चन डालेंगे आप, सारा मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे, सारा क्वेश्चन एक तरफ से आपको सीरीज से मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और ये आपका नए बुक से चल रहा है, नया जो एनसीईआरटी बुक है उससे चल रहा है। तो आज हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वहां आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप वहां पे पढ़ सकते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि ये जो तीनों संख्याएं दी गई है, ये तीनों क्या है, अपरिमेय है। देखिए इतने छोटे में कैसे बता देंगे, देखिए बहुत ही आसान है परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, या a अपान b के रूप में, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे कह रहे तो बहुत तेज बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो दोस्तों आराम से समझाते हैं। चलिए आइए आराम से समझाने के लिए मान लेंगे, देखिए 1/√2 लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान सकते हैं ना, परिमेय संख्या है। दोस्तों अब एक चीज ध्यान दीजिए, 1/√2 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर देंगे, √2 गुणे √2 कर सकते हैं। और ये अगर परिमेय संख्या है तो a अपान b या p अपान q के बराबर होगा, तो लिख देंगे बराबर है a अपान b के, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यही लिखेंगे a और b पूर्णांक है। ठीक है ना दोस्तों, इतना लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 और बटे √2 का, √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा a अपान b। ये समझ में आया दोस्तों, तो देखिए अब √2 बराबर क्या करेंगे, √2 बराबर यहाँ 2 भाग में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a अपान b, 2 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ आके 2a के साथ हो जाएगा 2a अपान b, तो लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है ना, सॉरी चूंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो इसलिए 2a अपान b भी पूर्णांक है, ठीक है ना, तो मतलब 2a अपान b भी पूर्णांक है, और जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो ये भी पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, लेकिन लिखेंगे लेकिन √2 भी √5 की तरह अपरिमेय संख्या है, √2 भी √5 की तरह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये समझ में आया, इसलिए ये जो हमारा होगा 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, समझ में आया दोस्तों ना, √2 इसीलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। यहां तक आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा, देखिए इसको क्या करना है, 1/√2 परिमेय संख्या मान लेना है, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देना √2 से, तो ऊपर √2/2 हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे, तो ये तो परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये असंभव है, ठीक है ना, इसीलिए देखिए a और b पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा, तो √2 भी √5 की तरह क्या, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहीं पे अपरिमेय संख्या बराबर संख्या बराबर नहीं होगी किसके, परिमेय संख्या की, अपरिमेय
अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती किसके, परमेय संख्या के। तो ये आपका तीसरे का पहला वाला हो गया, तीसरे का पहला हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, तीसरे का दूसरा वाला देखते हैं, तीसरे का दूसरा वाला देखते हैं। चलिए चलिए दूसरा वाला जो करेंगे यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा एकदम अच्छे से, आप ऐसे पेपर में लगाएंगे आपको पूरा का पूरा 3 से 5 नंबर मिल जाएगा जितने कभी आए रहे, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे माना, ये हो गया, इसको हटा ही देते हैं ना दोस्तों। चलिए इसको हटा देते हैं, ये वाला हो गया। चलिए यहां लिखेंगे माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या रहेगा तो किसके बराबर रहेगा, a अपान b या p अपान q के बराबर रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर p अपान q। अभी a अपान b लिख रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं, p अपान q भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिखना है q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। और यहाँ लिखेंगे p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक ना। तो जो p और q है दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से क्या करेंगे, 7 इधर गुणे में है उधर भेज देंगे भाग में, हो जाएगा मतलब हो जाएगा √5 बराबर पी अपान 7 क्यू, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए एकदम वही चीज जो अभी पीछे पहले वाले में किए वही चीज हो गया, तो √5 बराबर पी अपान क्यू लिखेंगे पी, चूंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, पी और क्यू दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और जब पी और क्यू पूर्णांक होगा इसलिए पी अपान 7 क्यू भी पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए √5 के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, लिखेंगे √5 अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है तो कभी भी लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ में आया दोस्तों। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, मतलब √5 बराबर कभी पी अपान 7 क्यू नहीं हो सकता, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ में आया दोस्तों। तो ये दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया कि 7√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दूसरा भी हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला, एकदम सेम ऐसे जैसे पहला वैसे दूसरा, वैसे सेम अभी तीसरा भी लग रहा है। चलिए दोस्तों एकदम पहले दूसरे की तरह इसको भी मान लेते हैं, माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। जब 6√2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6√2 बराबर ए अपान बी लिख सकते हैं या पी अपान क्यू लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें, पी अपान क्यू लिख दें, ये तो समझ में आया, लेकिन ब्रैकेट में आपको जरूर लिखना है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q दोनों पूर्णांक हैं, क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं, इतना जरूर लिख देना है। इससे क्या हो जाता है, परिमेय संख्या का ये फार्मूला, परिमेय संख्या का वो होता है परिभाषा होता है कि P अपान Q के रूप में लिखा जाए Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे √2 बराबर पी अपान क्यू माइनस 6, हो जाएगा कि नहीं। इसको और लिख सकते हैं बराबर पी माइनस 6 क्यू, हो जाएगा ना, बटे क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ बटे वन करके इसको इधर भेज सकते हैं और ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं,
इसलिए पी माइनस सिक्स क्यू बटे क्यू, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ये समझ में आया दोस्तों, जब ये दोनों पूर्णांक होगा, देखिए ये भी पूर्णांक है और ये पी अपान क्यू तो पूर्णांक है ही, यहाँ लिख दिया पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है। तब देखिए कभी भी रूट टू, रूट टू क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे, चलिए लिखेंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः रूट टू जब एक अपरिमेय संख्या है तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, रूट टू इज नॉट पॉसिबल, क्या p माइनस सिक्स क्यू अपान क्यू, यहाँ तक समझ में आया, इतना समझ में आया। तो लिखेंगे अतः इसने बराबर ये नहीं होगा, इसलिए इसलिए सिक्स प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या, क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया दोस्तों, सिक्स प्लस रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, कभी भी परिमेय अपरिमेय संख्या, ऐसा ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी करेंगे अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से, तो दोनों वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा समझिए कीचड़ में अगर आप पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आप ही के ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा। तो ध्यान दीजिए कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो आप सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए अपरिमेय संख्या से ना जोड़ना, ना घटाना, ना गुणा, ना भाग करना है, नहीं तो आप खुद अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो गया, आपका तीसरा का सारा क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हमने करवा दिया। इस तरीके से आपका ये आपका अभ्यास पूरा समाप्त हुआ, देखिए आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपका जो चैप्टर नंबर एक था रियल नंबर वास्तविक संख्या, ये आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में जो आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभ्यास का आएगा, अगले अभ्यास का जो भी है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो समझ में आया, वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए हमको ये कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सकें। हाँ, मैथ का मतलब जो होता है आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा। अगर आपको ये समझ में आ गया, एक बार अपने कॉपी पे लिखिए, समझिए, अपने दोस्तों को समझाइए कैसे होता है, फिर आपको कभी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला है। वो कहते हैं ना, विद्या बांटने से बढ़ती है, तो विद्या को बांटिए, रोक के मत रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।